जी सावली मेरी दूसरी सिंगल है. पहली सिंगल मैंने लास्ट ईयर रिलीज़ की थी जिसका नाम था साजनी, और बहुत अच्छा बहुत बेहतरीन रिस्पांस मिला था. और इसके बाद फिर से हमने रवि यादव और मैंने फिर से दूसरी सिंगल अभी हमने रिलीज़ की सावली. बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है. पिछले 4-5 दिन में कम से कम 80,000 यूट्यूब पे हिट्स मिले हैं, और एक इंडिपेंडेंट गाने को इतना प्यार मिलना, आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल. हमने कभी सोचा नहीं था कि इतनी रीच होगी उसकी, इतना लोग पसंद करेंगे. बहुत सारे दोस्त हमारे मेरे जो दोस्त थे बॉलीवुड के, जैसे शाहरुख खान साहब, अभिषेक, फरहान, फारा खान, रितेश देशमुख, करण जौहर, बिपाशा बासु, सब ने ट्वीट किया उसके बारे में. तो लोग बहुत चाह रहे हैं और बहुत पसंद कर रहे हैं. मेरी दोस्त सुनिधि चौहान, उन्होंने गाया भी है मेरे साथ ये गाना, और साथ में शाहरुख खान साहब ने बिगिनिंग में पोइट्री रिसाइट की है जो अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखी है. और इट्स अ सॉन्ग अबाउट फर्स्ट लव, पहले प्यार के बारे में है, और इंसान कभी अपना पहला प्यार भूलता नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने स्कूल में या कॉलेज में किसके पहली मुलाकात में आपको प्यार हो गया किसके साथ, और इतने सालों बाद वो इंसान की परछाई आपके साथ ही है, और कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि वो हमेशा आपके साथ है. तो दिस सॉन्ग इज़ अबाउट फर्स्ट लव, अबाउट यू नो योर लव फॉर समवन हु यू मेट मेनी मेनी ईयर्स बैक. एक्चुअली जब गाना कंपोज किया तब एक रफ ट्यून थी दिमाग में, और रवि यादव और मैंने बैठ के एक डिसाइड किया कि ये पहले प्यार के बारे में होना चाहिए, इट्स अ लव सॉन्ग. तो सावली का मतलब मराठी में उसका मतलब है परछाई, शेडो. तो सावली तुझी कशी छड़ते ना मला, यू नो, अलगद येऊन जाते हृदयात देऊन जाते, याद तुझी साथ तुझी तिच्या पाशी येना नेना येना नेना. तो एक ऐसी बात है इसमें कि आप जितनी भी दूर चले जाओ, जितने भी आपका जो पहला प्यार है उससे आप जितने भी दूर हो, आपको ऐसा लगता है कि वो अब तुम्हारे साथ है, वो अपने साथ है. इसमें सिर्फ इट्स अ सिंगल, सिंगल का मतलब सिर्फ एक गाना है. तो इसमें सिर्फ एक गाना है, और एक गाना रिलीज़ हुआ है YouTube पे, और उसके डाउनलोड्स जो हो रहे हैं वो ओके लिसन साइट पे हो रहे हैं, और जो भी इसके डाउनलोड्स इकट्ठे होंगे वो जाएंगे एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जिसका नाम है मानिकेतन इत्संथाना. तो छोटे 350 बच्चे हैं वहाँ जिनकी एडुकेशन हो रही है, और बस मैंने कुछ छोटा सा कुछ किया है उनके लिए. एंड आई एम रियली हैप्पी कि लोग बहुत प्यार कर रहे हैं गाने को और बहुत चाह रहे हैं. जी बेस्ट, जितने भी महाराष्ट्रियंस थे जिन्होंने मुझे मैसेजेस दिए, उनको ऐसा लगा कि कोई महाराष्ट्र ने गाया है. तो ये बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि जो महाराष्ट्रियन लैंग्वेज है, जो मराठी लैंग्वेज है, बहुत ही क्लीन, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शुद्ध लैंग्वेज है. तो उसको मैंने बहुत ध्यान में रख के ऐसे गाया है जैसे कोई मराठी सिंगर गाए. तो ऐसे मैंने कोशिश की है, और लोगों को ऐसे लगता है कि हाँ, आपने अच्छा काम किया.